विस्तार से। इस मौसम में बारिश देर से शुरू हुई, लेकिन ऐसी हुई कि पूरे जिले को पानी पानी कर दिया। सारे डैम लबालब हो गए। सामान्य बारिश का आंकड़ा भी पूरा हो गया और जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। बीती रात 3-4 घंटे हुई बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। विदिशा पानी पानी हो गया। अरियंत बिहार में सागर पुलिया के पास पानी भर गया, जिससे लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। जतरापुरा शिवाजी चौक बांसकुली अस्पताल रोड पर भी पानी ही पानी नजर आ रहा था। माधव उद्यान के सामने इतना पानी भरा कि इंदिरा कॉम्प्लेक्स जाने वाले रोड को बंद करना पड़ा। अंडर ब्रिज में पूरा पानी भर गया। मोहनगिरी में एक मकान धराशायी हो गया। बराखेड़ा में नदी का पानी गांव में भराए जाने पर लोगों ने पानी में खड़े होकर प्रदर्शन किया और इससे निजात दिलाने की मांग की। सुभाषनगर गली नंबर 6 में लखन एरवार आदि के मकान में पानी भर गया, जिससे बड़ी मुश्किल से निकालते रहे। जैन कॉलेज भी लबालब हो गया। माधवगंज क्रमांक 2 टैगोरशाला में इतना पानी भराया कि आधा भवन डूब गया। रात को 2 बजे से 5-6 बजे तक हुई मूसलाधार बारिश से बैतवा नदी भी उफान पर आ गई। जिला पंचायत कार्यालय, CMHO ऑफिस आदि क्षेत्र में पानी ही पानी नजर आ रहा था। रामलीला चौराहे पर भी पानी भराने से लोग परेशान दिखे। सुबह कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने स्वयं जायजा लिया और अधिकारियों को आपदा से निपटने के निर्देश दिए। राजस्व प्रशासनिक अधिकारी लगातार नजर रखे हुए थे। रात को हुई बारिश और अब तक की बारिश के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो विदिशा में रात को 3-4 घंटे हुई जोरदार बारिश से आंकड़ा जहां सामान्य बारिश के करीब पहुंच गया, तो वहीं रात को 121 मिलीमीटर यानी 5 इंच बारिश हुई थी। विदिशा में 30 अगस्त तक 1070 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य बारिश 1075 मिलीमीटर है। यानी विदिशा में पिछले साल से 170 मिलीमीटर ज़्यादा और सामान्य बारिश हो चुकी है। वहीं सबसे ज़्यादा बारिश गंजबासुदा में 1260 मिलीमीटर दर्ज की गई है। यहां सामान्य से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। इसी तरह कुरबाई में 1062 मिलीमीटर, सरौंज में 985 मिलीमीटर, लटेरी में 997 मिलीमीटर, ग्यारसपुर में 1052 मिलीमीटर, गुलाबगंज में 1116 मिलीमीटर और नटेरन में 1050 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। रात को ही बारिश के बाद सबसे पीछे रहने वाले विदिशा तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। जिले की औसत बारिश अब तक 1074 मिलीमीटर हो चुकी है, जबकि सामान्य बारिश 1075 मिलीमीटर है। यानी जिले में इस बार औसत सामान्य बारिश पूरी हो चुकी है, जबकि पिछले साल 30 अगस्त तक जिले की औसत बारिश 701 मिलीमीटर थी। पिछले साल से इस साल 450 मिलीमीटर बारिश अधिक अभी तक हो चुकी है। यह बारिश केवल विदिशा ही नहीं बल्कि जिले के अनेक हिस्सों में हुई जोरदार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गई हैं, जिससे अनेक शहरों का सड़क संपर्क टूट गया है। करारिया गाँव जाने वाले मार्ग की पुलिया के पास आधा रोड बह गया। नाला उफान पर आने से वाहनों को रोकना पड़ा। देव खजूरी की नदी उफान पर आने से गांव के आसपास पानी भर गया, जिससे ग्रामीण भयभीत दिखाई दिए। इसके अलावा पानी से बने बाढ़ जैसे हालातों से लोगों को जूझना पड़ा। काफ़ी नुकसान भी हुआ है। भारी बारिश होने के कारण कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सुबह 7:30 बजे शासकीय अशासकीय स्कूलों में अवकाश की घोषणा की थी। कुछ स्कूलों में बच्चे गए, लेकिन वहाँ से अवकाश होने की कहकर वापस लौटा दिया। स्थिति हो रही है पूरी, बेड मेड की, सौ पे कमरे देख ला।
ये बेड की स्थिति देखो आपके हालत हो रहे सब में सब बहुत डैमेज हो गया कपड़े मपड़े पूरे पूरे टोटल मतलब इसमें जो सामान आया था सब गंदा हो गया इधर देखो साइड आगे कूलर कूलर में टीवी में सब बंद हो रहा है और आगे जनते देखे अपन परेशान है नगर पालिका अंदर 10 बार आप नहीं जे निकास है ना यहां का जे हाल आते मतलब कि 4-4 फीट नीचे पानी है रोड से अब ये भैया ये सब्जी है ये दालें पड़ी हैं सब भीग गया है ना जो टंकियां रखी हैं सब आटे वाटे की सब साफ मतलब पानी घुस गया कपड़े पूरे कपड़े बेड मुकेश साहब हूँ कहाँ रहते आप ईदगाह चौराहे माची रोड क्या समस्या हुई है कल रात की बारिश से आपको यहाँ सर ये हुई है कि यहाँ भी पानी का निकास का कहीं ठोर है नहीं तो यहाँ पे आए दिन यही परेशानी आती है हर साल और नगर पालिका में कई बार हम आवेदन दे चुके हैं कितनी बार आवेदन दे चुके कम से कम 5-6 बार आवेदन दे चुके हैं फोटू साहब कि यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज्यादा है इसका निकास कहीं दिया जाए और ये मेन हाईवे की कहानी है मेन हाईवे पे बैठे हैं और घरों में इसके बाद ये हालत हो जाती है बस पानी की कहानी नहीं है परमानेंट यही समस्या है आपका अमूमन कितना है कितने रुपए का नुकसान हो गया होगा वह 5-10 हजार रुपए का ये आटा वाटा वगैरह दालें वाले ये सब खराब हो गई है प्याज म्याज सब वो गंदगी में हुई है ये पूरा गटर का पानी यहाँ आ गया है का नाम क्या है और कौन सा मोहल्ला है और क्या परेशानी हुई है आज मेरा नाम थॉमस है हम रहते हैं हॉस्पिटल कैंपस में कल 3:30 बजे से यहाँ पानी भरना चालू हुआ है हमारे घरों में पानी भर गया है और इतनी परेशानी है कि हमारे सारे सामान खराब हो चुके हैं कहीं रखने का जगह नहीं जहाँ रखो वहाँ पानी भरा था आप देख सकते हैं हर जगह जाके हमारे साल और ये परेशानी अभी की नहीं है हर साल से होती है और हम हर बार कंप्लेन करते हैं कुछ होता नहीं है इसका निकास घर का हालत पूरा बह रहा है सामान पूरा फ्रिज में सब बंद नहीं करे आप फ्रिज को ऑफ कर दिया अभी देखो क्या हाल है 4 बजे से लाइटिंग ही गोल है क्या उनको घरों में पानी भर गया क्या है और ये कौन सा मोहल्ला और क्या परेशानी गई है आज बाबूलाल अहरवार आज वार्ड नंबर 3 इसमें समस्त घरों में सभी लोगों के घरों में पानी भर गया है पूरन का सामान भी खराब हो गया इतना पानी भर गया घरों में के घूटे घूटे पानी हो गया पूरी भुवनगिरी में गिर चुके हैं दो मकान गिर गए हैं जिससे नुकसान हुआ है लोगों का कोई बेबसी नहीं रहा वो दूध ऐसा कैसे ले आए हो सोनू राजपूत क्या स्थिति है यहाँ बारिश अंदर यहाँ तो मेरा मकान है अंदर यहाँ पे स्थिति है कि इतना इतना पानी है अंदर दूध वाले नहीं आ पा रहे हैं बच्चों के लिए दूध के लिए बाहर निकलना पड़ा जान जोखिम में डाल तब ये कौन सी कॉलोनी में पानी कितना कितना भरा हुआ है न्यू अरियंत विहार है इस साल पहली बार इतना आया मैं 4 साल से देख रहा हूँ कोई पानी नहीं था गाड़ी दे रही दूध के लिए परेशान हो तुम लोग
आ जाने दे, जाने दे, निकल जाएगी। चलो चलो बगल में भेज दे, चलो बगल में भेज दे, बगल में तो लगवा दूर जा। तो गिरे ले। ट्रेन ले लो, ट्रेन ट्रेन जा रही है। रहेगा 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 बच्चे के लिए। भाई नाम का है तुम्हारो, का है परेशानी? जब शीला भाई, एक बजे रात तक पानी गिर रहा, पानी भरा हुआ घर में, एक बजे रात तक काका नुकसान होगा, सामान सामान राशन ठीक का बेगा, गैस में पानी भरा गया और दाल मार सब भी आटो भीज गया, सब भीज गया, हम सब ने फोन न टीचर बिछे नहीं तो कुटी काजे फार्म भरो तो का कुटी काजे फार्म भरो तो हैं कुटी काजे फार्म कुटी काजे फार्म भरो तो कुटी दही नहीं है, कुटी क्या क्या परेशान है, कुटी की 2 साल हो गई, साल बाद ना आया गए, फिर भी नहीं दे रहा, फिर भी नहीं सुनवाई, सुनवाई नहीं है हमने, फिर भी के बारे में क्या हालात देखे हो? ये अभी शहर की जो कई बस्तियां हैं जो हम डाउन फ्लो में हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, तो जैसे ही पानी उतरेगा हम उसमें सर्वे करवा के जो भी क्षति है वो देंगे। तात्कालिक रूप से अभी हमने निर्देश दिए हैं नगर पालिका और प्रशासन को कि उन लोगों के रुकने की 1-2 दिन हो सकता है, कुछ लोगों को रुकने की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हम स्कूलों में और भी जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे व्यवस्था करवा रहे हैं। और तीसरी चीज़ है पानी उतरने के बाद में बीमारियाँ ना फैलें, इसके लिए अभी स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका और जो राजस्व प्रशासन की पूरी टीम मिल के और उसमें जो भी दवा का छिड़काव है, हेल्थ कैंप है, वो सब हम करेंगे। तो अभी 2 घंटे में पानी उतर जाएगा ऐसी उम्मीद है, उसके बाद ये जो भी हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं और करेक्टिव मेजर्स लेने हैं उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अभी बंटी नगर क्षेत्र में पानी में घरों की क्या स्थिति देखी आपने? अभी पानी भर गया है, लोगों का सामान भी गीला हो गया है, तो अभी उनको शिफ्ट भी हम लोग कर रहे हैं और पानी उतरने के बाद उनके घरों की साफ सफाई करा के उनको शिफ्ट करवाएंगे।